दोस्तों, मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। आज तक पर जिस तरह से वो बातें करते थे, जिस तरह से एंकरिंग करते थे और जिस तरह से उनकी बेबाकी की बातें आती थी, सवाल करते थे, प्रश्न करते थे, वो सब जेहन में लोगों के अब याद आ रहा है। रोहित सरदाना के एक एक पल लोगों को याद आ रहे हैं। रोहित सरदाना की मौत के बाद से पूरा देश तो शोक में डूब गया, लेकिन आज तक की टीम तो मानो पूरी तरह से टूट गई है। अंजना ओम कश्यप हो या श्वेता सिंह हो, कोई भी टीवी एंकर हो, आज तक का हर कोई रो रहा है, हर कोई भावुक है। और जिस तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे राष्ट्रीय शोक है, उसी तरह के हालात आज तक में हो गए हैं। आज तक की पूरी टीम आंखों में आंसू भरे हुई है। अंजना ओम कश्यप रोती हुई कह रही हैं कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि कैसे मैं न्यूज़ रूम में जाऊंगी और कैसे मैं न्यूज़ पढ़ूंगी। उनका एक एक पल जो है रोहित का, वो उन्हें याद आ रहा है। एक एक पल उन्हें सता रहा है कि कैसे बैठते थे और बहस होती थी, कैसे हंसी मजाक हुआ करता था। रोहित सरदाना के बारे में एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, आप लोगों को, न्यूज एंकर वो बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे दिल के इंसान भी थे। अब सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि लगातार वो कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद किया करते थे, लोगों की सहायता करते थे, जिसको इंजेक्शन नहीं मिलता था, जिसको ऑक्सीजन की कमी होती थी या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था, उसके लिए रोहित सर लगातार प्रयास और प्रयत्न करते थे। वो सारी यादें अब एक गठरी में बंद गई हैं, वो ऐसी गठरी यादों की जो कभी भुलाए नहीं भूलेगी। और ख़ास बात यह है कि आज तक की पूरी टीम ऐसे शोक में डूबी हुई है कि शायद इस शोक से उन सब के लिए उबर पाना बड़ा मुश्किल होगा। रोहित सरदाना की जब बहस आप देखते थे बीच में होती थी और नेताओं की घेराबंदी करते थे और एक एक सवाल पर तंज कसते हुए, एक एक सवाल पर चुटकी लेते हुए घेराबंदी जब किया करते थे, तो बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाया करती थी। कितना भी बड़ा नेता माइंड से बड़ा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा अध्ययन और पढ़ाई करके भी गया हो, लेकिन रोहित सरदाना सर जब घेराबंदी करते थे तो फिर वो जवाब देना उसका मुश्किल हो जाया करता था। और ख़ास बात ये भी थी कि रोहित सर की सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि जब एकदम क्लेश हो जाता था, यानी बहस में एकदम हॉट टॉक हो जाती थी, एकदम लगता था कि अब नौबत ऐसी ना आ जाए कि कहीं मारपीट न्यूज रूम में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज रूम में आपस में जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो लड़ने लगे, तो ऐसे समय पे रोहित सर बहुत ही सहज और सरल हो जाया करते थे और विनम्र भाव से बात करके लोगों को समझाते थे, प्रवक्ताओं को और नेताओं को समझाते थे, कहते थे कि ये न्यूज रूम है और इसका हमको ख्याल रखना है। हर दिल अजीज रोहित सर को याद करके अब हर कोई रो रहा है, हर किसी की आंखें भर आ रही है।